नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर। करते हैं शुरुआत आज की प्रमुख खबरों से। खबर मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के लालबर्रा से। लालबर्रा में जमीन के लालच में बेटे ने करवा दी पिता की हत्या। बालाघाट जिले के लालबर्रा थाना अंतर्गत ग्राम कनकी में हुई एक अंधी हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है। इस मामले में बेटे ने अपने पिता की जमीन हड़पने 40 लाख रुपए में उसके हत्या की सुपारी दी थी। बताया गया कि ग्राम कनकी निवासी लेखराम ब्रह्मी की हाईवे से लगी जमीन है, जिसकी कीमत करोड़ों में है। उसका बेटा गजानन ब्रह्मी पिता से अलग रहता है और उसकी नज़र पिता की बेशकीमती जमीन पर थी, जिसे पाने के लिए उसके पिता की हत्या की साजिश रची और ग्राम कनकी निवासी विक्की डहरवाल को 40 लाख रुपए की सुपारी यह कहकर दी कि जमीन उसके नाम होगी तो बेचकर उसे यह रकम दे देगा। विक्की ने प्लान बनाया और अपने साथियों के साथ मिलकर 9 दिसंबर 2018 की रात घर पर अकेले सो रहे लेखराम ब्रह्मे की गला घोटकर हत्या कर दी। पुलिस ने मृतक के बेटे गजानन को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो उसने सारे राज उगल दिए। साजिश में शामिल चार आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि सुपारी लेने वाला विक्की डहरवाल अभी भी फरार है। सुप्रीम पावर हंटर न्यूज के लिए लालबर्रा से शरद धानेश्वर के साथ लंकेश पंचेश्वर की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर। प्रस्तुत है आज की खबर। खबर मध्य प्रदेश के बालाघाट से। नक्सलियों को पनाह देने के आरोप में तीन गिरफ्तार। लांजी पुलिस ने देवरबेली की पुजारी टोला में नक्सलियों को आश्रय देने के आरोप में पुजारी टोला के तीनों ग्रामीणों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 9 जुलाई को पुलिस को सूचना मिली थी कि ब्रजलाल पंद्रे की हत्या में संलिप्त नक्सली ग्राम पुजारी टोला नेवरवाही में पुसुलाल टिकाम के घर में आकर रुकने की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस और हाक फोर्स ने मिलकर मुठभेड़ में दो नक्सली मंगेश और महिला नक्सली नंदे को मार गिराया था, जिसके चलते पुलिस ने नक्सलियों को अपने घर में आश्रय देने वाले पुजारी टोला के तीन ग्रामीणों पुसुलाल टेकाम, रुशुलाल टेकाम और जैतलाल टेकाम को गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश किया गया। सुप्रीम पावर हंटर न्यूज के लिए लांजी से जयचंद भौतेकर की रिपोर्ट। बताइए, जो नक्सली को संरक्षण वाले मामले में क्या हुआ? दिनांक 9/7/19 को सूचना पुलिस अधीक्षक महोदय को सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम नंदेवर वाई के पुजारी टोला में नक्सलवादियों के आने की सूचना थी, जिसपे श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक महोदय एवं डीआईजी साहब के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक महोदय बालाघाट एवं कमांडेंट ऑफ फोर्स तरुण नायक साहब के निर्देशन में संयुक्त ऑपरेशन किया गया था। और ऑपरेशन के दौरान पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई थी और जिसके अपराध थाना लांजी में 200/19 धारा 147/47/49 धारा 307 पंजीबद्ध थी। आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर। प्रस्तुत है आज की खबर। मध्य प्रदेश के मंडला से बड़ी खबर। बिजली गिरने से एक की मौत, 14 घायल। थाना निवास से 13 किलोमीटर दूर ग्राम जंगलिया गांव में बारिश न होने के कारण खेरमाई मंदिर में मन्नत मांगकर कीर्तन कर रहे 15 लोग के ऊपर आकाशीय बिजली गिरने से एक की घटना स्थल पर मृत्यु हो गई। 14 लोग इस घटना में घायल होने की सूचना स्थानीय लोगों ने 108 एम्बुलेंस को दी। मौके पर पहुंची 108 एम्बुलेंस, प्राथमिक उपचार के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निवास में भर्ती कराया गया। मृतक का नाम ओम प्रकाश, पिता नवल सिंह वरकड़े, उम्र 24 साल व सभी घायलों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निवास जारी है। सुप्रीम पावर हंटर न्यूज के लिए मंडला से परिचय प्रजापति की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर। प्रस्तुत है आज की खबर। खबर मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से। देर रात 2 बजे रेत के अवैध उत्खनन की छापामार कार्यवाही करने जा रहे नायाब तहसीलदार अतुल श्रीवास्तव की गाड़ी पर हमला। मनवाड़ा रेत खदान पर जा रहे थे कार्यवाही के लिए। खदान पहुंचने से पहले ही रेत माफियाओं ने घेर कर किया हमला। हमले में घायल हुए अतुल श्रीवास्तव। बाबई थाने में 25 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। पुलिस ने किया 15 लोगों को गिरफ्तार, 10 अन्य फरार। एनजीटी के रोक के बावजूद जिले में हो रहा बैकहोफ रेत का उत्खनन। पुलिस ने कई ट्रैक्टर, ट्रॉली, मोटरसाइकिल और जेसीबी मशीन को किया जब्त।
सुप्रीम पावर हंटर न्यूज के लिए होशंगाबाद से शादाब क्षेत्र के जो नायब तहसीलदार थे अतुल श्रीवास्तव, वो इलीगल माइनिंग और इलीगल स्टॉक जो है सैंड के, उनको चेक करने के लिए अपनी टीम के साथ में गए थे। जब गांव मनवाड़ा वो पहुंचे तो वहां के जो रेत के अवैध उत्खनन से जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने उनकी टीम को घेर लिया और उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की, उनके साथ गाली गलौज किया, उनके साथ मारपीट की। इस बात की जैसे ही सूचना मिली तो हमारी टीम जो पुलिस की है, बावई थाना प्रभारी तत्काल मौके पर पहुंचे, उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया और वहां पर जो क्रिमिनल मौजूद थे उनको अपनी कस्टडी में लिया। रात में लगभग 11:30 बजे कलेक्टर साहब के निर्देशन में अवैध उत्खनन और परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हमारी टीम मनवाड़ा पहुंची थी। वहां कुछ लोगों और महिलाओं ने गाड़ी को घेर लिया जो कि हथियार रखे हुए थे, और उसके बाद हमने सूचित किया SDM और TI बावई को, क्योंकि ये लोग बच्चे चोर समझ के या वो प्रोपोगेंडा के तहत हमें रोकने का प्रयास कर रहे थे और कह रहे थे कि ये लोग बच्चे चुराने के लिए आए हैं और हम लोगों को घेर लिया था, तो हमने फिर SDM। आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर, प्रस्तुत है आज की खबर। खबर मध्य प्रदेश के मुरैना से। मुरैना जिले के अम्बाह कस्बे में रुपे हटी रोड पर नकली दूध बनाने की फैक्ट्री पर खाद विभाग ने छापामार कार्यवाही की। इस कार्यवाही में बड़ी संख्या में नकली दूध बनाने का सामान, 2000 लीटर नकली दूध, ग्लूकोज पाउडर के बोरे, केमिकल क्रीम आदि जब्त किया गया। जिले में लंबे समय से नकली दूध बनने की शिकायत आती रही, कई बार कार्यवाही भी हुई लेकिन ठोस कदम न उठाने के कारण यह कारोबार बढ़ता ही जा रहा था। सुप्रीम पावर हंटर न्यूज के लिए मुरैना से सोनू सिकरवार की रिपोर्ट। SDM पुलिस से सूचना मिली थी कि एक जगह नकली बनाने की फैक्ट्री चल रही है, तो SDM की टीम और हमारी टीमों ने और साथ में स्टूडेंट तक की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की और आज अम्बा के निकट एक फैक्ट्री को छापा मारा जिसमें कि बड़ी मात्रा में दूध बनाने चीज़ें बरामद की है, जिसमें वो सारा दूध नकली था, जिसमें शैम्पू सिंथेटिक और पता नहीं क्या क्या। आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर, प्रस्तुत है आज की खबर। खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से। करोड़ों की टंकी बनाई पर अब तक नहीं हुई सप्लाई चालू, बूंद बूंद पानी को तरस रहे लोग, टंकी के नीचे धरने पर बैठे, महापौर से मांगा इस्तीफा। मध्य प्रदेश की जिला जबलपुर स्थित किलकारी गार्डन में करोड़ों की लागत से बनाई गई पानी की टंकी के निर्माण के 6 माह बाद भी नगर निगम द्वारा सप्लाई चालू न किए जाने के विरोध में आज रहवासियों ने टंकी के नीचे बैठकर धरना प्रदर्शन किया। इसी दौरान आक्रोशित लोगों ने निगम प्रशासन और महापौर के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जमकर नारेबाजी भी की। गुस्साए लोगों का कहना था कि वह बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, नर्मदा जल के लिए वे दूसरे क्षेत्र जाकर पानी ला रहे, जिसके कारण उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, परंतु नगर निगम के जिम्मेदार शिकायत करने के बाद भी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। लोगों ने नगर निगम प्रशासन को 15 दिन की चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सप्लाई चालू नहीं की गई तो वह उग्र आंदोलन करेंगे। जबलपुर से सुप्रीम पावर हंटर न्यूज ब्यूरो की रिपोर्ट। इलाके में लगभग 4-5 साल हो गया होगा टंकी बने हुए, जिसकी पानी की सप्लाई अभी तक चालू नहीं हुई है, और यहाँ पानी पे लोगों को यहाँ वहाँ भड़कना पड़ता है नर्मदा जल के लिए स्पेशली, और वहाँ बोरिंग की सप्लाई है, बाकी नर्मदा जल की सप्लाई नहीं है यहाँ पे। टक्कर ग्राम क्षेत्र का निवासी हूँ, मेरी उम्र तकरीबन 26-27 साल है, मैं तब से यहाँ पानी की समस्या देखता चला आ रहा हूँ। आज टंकी बने 4-5 साल हो चुका है लेकिन यहाँ कोई सप्लाई नहीं है। अब तो ये दूसरी समस्या खड़ी कर दी है कि सप्लाई के लिए रोड भी खोद दिए हैं और उस पर भी कोई लोगों ने गौर फिक्र नहीं की है। मैं विधायक जी से निवेदन करता हूँ कि हम लोगों की समस्याओं को दूर करें और रोड भी बनाएं और पानी की सप्लाई भी दें हम लोगों को। साल हो गए हैं लेकिन पानी की सप्लाई अभी तक नहीं आई है। जिस जगह टंकी बनी है किलकारी गार्डन में, वहीं के बस्ती वहीं बस उसी बस्ती के लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। लोग इधर उधर परेशान हो रहे हैं पानी के लिए, और इस बार हम लोगों ने इसके लिए कई बार शिकायत भी की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई हम लोगों की पानी को लेकर के। अभी भी लोग परेशान हैं और क्या बोलते हैं, पानी को लेकर बहुत समस्या चल रही है। हमारे क्षेत्र की समस्त महिला बुजुर्ग महिलाएं पुरुषों के द्वारा आज किलकारी गार्डन टंकी के नीचे इस बात को लेकर धरना दिया गया कि
छः माह से ज़्यादा हो गए टंकी का निर्माण हुए, उसके बाद भी आज तक टंकी चालू नहीं हुई है और हमारे क्षेत्र के लोग पानी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बार बार हमने निगम के अधिकारियों को सूचित किया, हमेशा निगम के अधिकारी झूठा आश्वासन देते हैं, बहाना बनाते हैं और पिछले चार महीने से सिर्फ इस वजह से टंकी चालू नहीं हो पाई कि यहाँ एक ट्रांसफार्मर की स्थापना नहीं हो सकी। निगम के अधिकारी टोटल निष्क्रिय हो चुके हैं, महापौर जी टोटल निष्क्रिय हो चुके हैं। आज हम लोगों ने यहाँ धरना प्रदर्शन दिया है नगर निगम महापौर के खिलाफ, नगर निगम सत्ता के खिलाफ, और हमारी मांग है। आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर, प्रस्तुत है आज की खबर। मध्य प्रदेश के सिवनी से बड़ी खबर, सिवनी छपारा पुलिस कस्टडी में हत्या के संदेही आरोपी की मौत। सिवनी जिले के छपारा थाना में संदेही की मौत का मामला सामने आया, जिस पर बेटी की हत्या का संदेह था। बता दें कि एक महिला जिनका नाम प्रियंका सनोड़िया था, जिसकी हत्या मृतक पिता के घर में की गई थी, उसी मामले में इसका जो पिता था वह पुलिस का संदेही था और वह काफी दिनों से फरार चल रहा था। पता चलने पर छपारा थाने बुलाया गया। करीब 11 बजे पूछताछ के दौरान बिजली चली गई और ऊपर वाले कमरे में पूछताछ चल रही थी। थाने का जो मेन गेट है उसने ऊपर से छलांग लगा दी और वह गिर गया। मृतक को सिर में चोट आई थी, जिसके बाद जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई और इसके बाद मजिस्ट्रियल जांच के आदेश हुए। सुप्रीम पावर हंटर न्यूज के लिए सिवनी से अजय रैदास की रिपोर्ट। दरमियानी रात को एक महिला जिसका नाम प्रियंका सनोडिया था, इसकी हत्या की गई थी इसी के घर पे, और उस मामले में इसका जो पिता था, जो अभी मृतक है, वो हमारा प्राइम सस्पेक्ट था, सबसे बड़ा संदेही था, और उसके बारे में पता करने की लगातार प्रयास चल रहे थे और काफ़ी दिन से वो फरार चल रहा था। कल शाम में पता चलने पे उसको थाने बुलवाया गया और कल देर रात करीब 11:30-12 बजे वो थाने आया और उसे पूछताछ की जा रही थी। पूछताछ के दौरान बिजली कटी और प्राथमिक जो हमने यहाँ पे थाने आके पता करवाया है, तो बिजली कटने के बाद क्योंकि ऊपर वाले कमरे में पूछताछ चल रही थी तो वो ऊपर से भागा और ये गेट जो मेन गेट है अपने थाने का, वहाँ से वो उसने छलांग लगाया। छलांग लगाने से उसके सर में चोट आई है और तत्काल जो पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद थे और बाद में थाना प्रभारी भी आए थे, इन सब ने मिल के और कुछ जनता के लोग भी थे, इन सब ने मिल के इसको पहले तो यहाँ छपारा अस्पताल पहुँचाया, जहाँ प्राथमिक जांच उपचार के बाद इसको सिवनी रेफर किया गया। सिवनी में भी हमने बात की थी और काफ़ी वहाँ डॉक्टर्स भी तैनात थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके सुबह आज सुबह उसका देहांत हो गया। आज की खबरों में बस इतना ही। आप क्या अपने वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर को सब्सक्राइब कीजिए और पाए देश प्रदेश और जिले की ताज़ा तरीन खबरें अपने ही मोबाइल पर रोज रात 9 बजे। नमस्कार।